एक बात बताइए कि अक्षरा जी का पहचान क्या है? अक्षरा जी हीरोइन है या सिंगर है या डांसर है? अच्छा ये बताई, ठीक बा केहू अपना फिल्म में काम करा लेलस तो एक और मतलब ये थोड़ी बल्कि हम ही ले आइल बनी, हम ही पैदा कइले बनी, जले हमरे में टैलेंट ना रही तो के हमरे के मूवी में काम करा ली। ठीक बा, पवन सिंह के जले हीरोइन ना मिली तो वह हीरोइन बन जिहे का? अपना फिल्म में वह लड़की के काम कर लिए का? पावर स्टार को अभी खुशी से बोले हैं कि भाई लोग तनी अक्षरा सिंह के गाना बजा दो लोगों, तनी हम नाचे। बात एक तरफा ना, भोजपुरी इंडस्ट्री भी अक्षरा सिंह के देख के जलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म। हमारे साथ प्रीति राज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया है। डायरेक्ट पहले इनका परिचय दे देते हैं उसके बाद सवाल पे आते हैं। इनका परिचय ये है कि खेसारी लाल यादव जी की हीरोइन है, दो गानों में इन्होंने काम किया है। एक बात बताइए, अभी एक मुद्दा चल रहा है अक्षरा जी का जी। बोला जा रहा है कि आप भी बिहार की दूसरी हीरोइन है जो कि शेरनी बोला जा रहा है आपको, और पहली जो है अक्षरा जी है। एक बात बताइए कि अक्षरा जी का पहचान क्या है? अक्षरा जी हीरोइन है या सिंगर है या डांसर है? देखी पूछा था नहीं तो बताओ था नहीं। अक्षरा सिंह के पहले फिल्म में देखल जात रहे, अब सिंगर के रूप में भी देखल जाता। कौन उनकर एगो गाना बताई कि जो ना गाना से उनकर पहचान बनल हो को? कहे हाँ एगो गाना ना रहे, हम बुलैल ही नहीं खी, हाँ इधर आने का नहीं नहीं बजा है। ये किसके लिए गाया गया था? डायरेक्ट किसके लिए? हम इधर बुलाए नहीं, आने का नहीं। किसके लिए गाया गया था? पवन सिंह के लिए। हाँ तो एक बात बताइए कि पवन सिंह को आगे रख के ये गाना गाई तो ये गाना थोड़ा सा हिट हुआ? अच्छा तो ये एक बात बताई, मुँह जरेला तब न माठा फूक के लोग पिएला, तो जले मेटर ना रही तो गाना आई कहाँ से, हिट कहाँ से हुई? एक बात बताइए कि अक्षरा सिंह को आप एक्ट्रेस मान रहे हैं ना कि हीरोइन है जी, इनकी पहचान हीरोइन के वजह से इनका कौन सा अपना फिल्म है जो चला हुआ है? बहुत सारा मूवी है। नाम बता दीजिए। बहुत सारा मूवी है, अब इतना नाम याद तो मन। इनका अपने दम पर ऐसा कोई भी फिल्म नहीं है जो चला हुआ है अक्षरा जी का? नहीं चला है। देखिए अच्छा चीज लोग नहीं देखता है, अभी उनका एक बहुत ही अच्छा मूवी हम अभी देखे हैं टीवी पे, बाबुल कर दे विदा आज तू प्यार से, बाबुल कर दे विदा उन पे ही है। उनका एक फिल्म है अक्षरा जो अभी ट्रेलर आया है, तो लोग अच्छा चीज नहीं देख रहा है। अच्छा चीज लोग देख रहा है लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है अपना जो कि खुद से बनाई हो ना। देखिए ये गलत बात बराबर, बिना वजूद के लोग उनका 5 लाख दे के बुलावता। इनको भोजपुरी में लाने वाला कौन है आप बताइए तो? अपने से आ गई? हाँ अपने आप से। अच्छा ये बताई, ठीक बा केहू अपना फिल्म में काम करा लेलस तो एक और मतलब ये थोड़ी बल्कि हम ही ले आइल बनी, हम ही पैदा कइले बनी, जले हमरे में टैलेंट ना रही तो के हमरे के मूवी में काम करा ली। चले आप मानती हैं कि अक्षरा सिंह के अंदर टैलेंट है? बोलले बा बहुत तो इतने दिनों से वो किसी का पीछा करके क्यों चल रही थी? कहां पीछा कोई ले बरी? अलग जो अभी 1 साल से न हुई, इतने दिनों से किसी का हाथ पकड़ के चल रही थी? अलग नहीं थी, 1 साल से अलग नहीं थी, 3 साल हो गए उनका अलग भइला। हाँ तो 3 साल पहले कैसे चलती थी? 3 साल से अलगे न चलता रही, उनकर अलगे न पहचान बनल बावे, यही लोग उनका के शेरनी कहता। तो आप मानती हैं कि वो शेरनी है? है। तो शेरनी क्या लगता है कि शेरनी को ऐसे माइक फेंक देना चाहिए स्टेज पे? नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं कि अपना पहचान के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं जब तक मतलब एक दूसरे का सपोर्ट नहीं रहता है तब तक कोई बड़ा नहीं होता। अच्छा ठीक बा, पवन सिंह के जले हीरोइन ना मिली तो वह हीरोइन बन जिये का? नहीं, अपना फिल्म में वो लड़की के काम कर लिएगा? वो किसी भी हीरोइन को किसी भी लड़की को उठाकर अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे वो फिल्म हिट होगी, जरूरी नहीं है कि अक्षरा सिंह नहीं रहेंगी तो हिट नहीं होगा फिल्म। तो कोनो को लड़कियां नहीं हो, अक्षरा सिंह मर्दाना थोड़ी हुई। हाँ। अक्षरा यही बिना टैलेंटेड लड़की के फिल्म में डाल ले तो कल के लोग गोरियावे लगे कि मैं लड़किया के तो काम ही कर नहीं किया। अगर कोई बुलाना चाहे अक्षरा जी को जी, तो ये एटीट्यूड देखने के बाद कोई बुलाएगा उनको स्टेज करने के लिए? देखिए ये अब लोग अपना मन में गलत फहमी पाल ली कि ओकरा में एटीट्यूड बाब नइखे बुलावे के, तो और गलती बा, अक्षरा सिंह भूखे थोड़ी मरी हैं। आज तक ले कहीं पवन सिंह के स्टेज पर
अक्षरा सिंह के गाना बाजल बा चाहे पवन सिंह नचले बनी आ बाजलो बटे त कहां उ बंद करैले बलन कौन सिंह कब बंद बाजल नइखे बाजल उ त बजावे वाला के गलती बा बजाओ काहे काहे ना काहे बजावे वाला के गलती बा नहीं पावर स्टार के सामने कोई नहीं बजा सकता है ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं बजा पावर स्टार को भी खुशी से बोले हैं कि भाई लोग तनी अक्षरा सिंह के गाना बजा दो लोगन तनी हम नाचे तो जैसे खेसारी और पवन के साथ विवाद था सुलझा ना रवि किशन जी सुलझाए उसी अक्षरा और पवन का भी विवाद उसके एक नंबर काम कर ले बने थैंक यू सवाल पूछला खाते जवाब दी सवाल दे तनी जब खेसारी जी के अपन जी के एक साथे कर दलख लोग रवि किशन जी कर देने तो वही जा सब हीरोइन लोग आई रहे काजल रघवानी आई रही मधु शर्मा आई रही मैंने जितना रानी चटर्जी आई रही रिंकू घोष मैंने जितना पहलका हीरोइन बा लोग सब के हुआ रहे ओजा अक्षरा सिंह के कहे ना बुलावल गई रहे अक्षरा सिंह के अंदर एटीट्यूड होगा बुलाया गया होगा नहीं आ पाई होंगी रुवा कैसे कह सकता नहीं रुवा देखे कोई रो नहीं ना तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुलाया गया काहे ना बुलावल गली ई पूछेंगे काहे ना बुलावल गोल बुलाओ काहे उहावा पो अक्षरा सिंह के अपन सिंह के एक मिला ना जे रवि किशन जी मिलले रो नहीं खेसारी जी के पवन जी के तो इहो तो हो सकत रहे कि अक्षरा सिंह के भी बुला के मिला दी होल जाओ पवन सिंह जी ना तो सुनी भाई बात एक तरफा ना भोजपुरी इंडस्ट्री भी अक्षरा सिंह के देख के जलता है हां हां ये कह सकते कंफर्म है क्योंकि सबको बुलाया गया है अक्षरा सिंह को क्यों नहीं बुलाया गया अक्षरा सिंह ऐसा बात ही नहीं हो सकता है कि अक्षरा सिंह को बुलाया गया हो अक्षरा सिंह नहीं पहुंची हो तो वो भी मौका आएगा जब पवन सिंह और अक्षरा जी को एक साथ किया जाएगा वहां पे ये बात क्यों नहीं बोला गया कि हम लोग अक्षरा सिंह को बुलाए थे अक्षरा सिंह नहीं आई थी कोई बोला नहीं बोला तो नहीं बुलाया गया है तो इससे ये बात साबित होता है कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को देख के जलने वाले बहुत हैं चलिए मान लेते हैं कि जलने वाले बहुत हैं एक बार बताइए कि भोजपुरी में अगर अक्षरा जी नहीं भी रहती हैं भोजपुरी को क्या फर्क पड़ता है उनसे नहीं फर्क पड़ता है लेकिन है ना एक मनोरंजन आप देखते हैं ना उनको पसंद करते हैं ना आपके दिल में राज करती है ना लड़कियों का सम्मान होना ये तो जायज है किसी भी लड़की के ऊपर पैसा नहीं फेंकना चाहिए किसी भी लड़की का सम्मान करना चाहिए क्या लगता है आपको थैंक यू रहुए गो बाने की कहानी है कि एटीट्यूड अच्छा लागल थैंक यू आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी डांसर ही है और डांसर के ऊपर अगर पैसा फेंका जा रहा है वो सही है कि गलत डांसर पैसे खातिर नाचे जाली सन ये बात रोबा समझी ओकनी के जितना पैसा ओकनी के ऊपर बारिश होइन उतने वो खुश होइ है सो कि जीओ में छूट मिलता है और सुनले वानी जाने शूटिंग करे नु तो देखले वानी कि बाक रे एल्बम में तो दिन रात मेहनत करे नि सन तो 2500 मिलेला नाचे जाने सन तो छूटो मिल जाला 4000 रुपयो मिल जाला फिर कह रही है तो फिर आप फंस जाइएगा काहे काहे से कि कुछ साल पहले लोग डांसर लोगों को लवंडा कहा जाता था ना आज डांसर कहा जा रहा है कहिएगा खेसारी लाल यादव को लवंडा काहे कहे हम तो फिर तो ये भी मत कहिए जो आप बोल रही हैं नहीं काहे नहीं कहेंगे क्यों तो उनका तो लड़की है वो डांस भी कर रही है तो लड़की है जी लड़की आजकल के ऑर्केस्ट्रा में पहले के ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा वाली नाचत रहली से तो पर्दा में नाचत रहली सन का जी अब का करत रही से हेजवा ले पहन ले तरी से आ हेजा ले पहन ले तरी से पूरा खुलम खुला दिखाओ गलत कहां है पहनना जी हां गलत है गलत कहां है आप अपना नजरिया चेंज करिए नजरिया चेंज करेंगे लेकिन उतना लोगों के बीच में जब आप अपना इज्जत नहीं ढकिएगा तो लोग चबा जाएगा ये भी बात मानिए एक बात बताइए रणवीर सिंह को जानती हैं आप सुपरस्टार है नहीं जानते हैं दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है रणवीर सिंह वो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहने थे उस कपड़ा न पहनने के लिए कईन करोड़ पैसा लिए थे आज भी तो चल रहे हैं हिंदी में अरे हम नइखे जानत उनकर बातें खत्म करी ऐसा मत बोलिए कि छोटे कपड़े पहनने से नजरिया ना देखी अपन इज्जत जी लोग कहला नो कि अपन इज्जत अपना हाथ में लेके ना चलब तो नोच के खाए वाला हजार लोग बावे तो जब रहुआ नाचो तन देखिए हमरा ऑर्केस्ट्रा वाली से नफरत काहे बा ये से बा कि पहले के ऑर्केस्ट्रा वाली नाचत रहली हसन आजो के टाइम में कुछ कुछ लड़की बाड़ी सन जे सारी में नाचत रही सन ओकर वीडियो हम देखेनी आ कुछ कुछ ऐसन बाड़ी सन कि लड़की के नाम पर कलंक होकल बाड़ी सन पूरा शरीर के ओपन कर देत रही सन यही से हमरा जलन बा आज आजकल देखी बहुत सारा माने प्रोग्राम करे वाली डांसर लोग बा जे साड़ी पहन के डांस करता उ कितना अच्छा लागत अबे